हेलो गाइज हम लोग नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एग्ज़ाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं आज तक जितने प्रीवियस ईयर जितने नीट ए आई सब हुए हैं सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो पहले 2013 के पहले 2013 के पहले ए आई होता था ए आई के नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑल इंडिया का होता था जिससे एम की सीटें भरी जाती थीं तो पहले सी भी होती थी तो ए आई जो होती है तो हम लोग ए आई पी एम से पेपर शुरू करेंगे करना शुरू करेंगे जो मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे और एक वीडियो में समथिंग जितना अधिक ये सोचेंगे कि दो वीडियो में सौ क्वेश्चन हो जाए एक वीडियो में लगभग लग ट्वेंटी फाइव देखेंगे नहीं तीन वीडियो में सौ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो चलिए हम लोग टोटल जितना कंप्लीट जितना भी पेपर आज तक प्रीवियस ईयर हुआ है सभी ए आई नीट सब पूरा एकदम क्लियर करेंगे तो चलिए ए आई पी एम टी टू थाउजेंड कौन से ईयर का है 2021 का है बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 101 वन से शुरू है तो देख लीजिए इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक्स प्लेस वायन तो इंडिपेंडेंस जीन का जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होता है डज नॉट टेक प्लेस किस स्थान पे नहीं होता है तो 101 का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए जीन्स आर लिंक्ड होते हैं एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड जीरो टू देख लीजिए व्हाट इज ट्रू फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है कौन सा इसमें चारों में से कौन सा सही है तो वन जीरो टू का ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा दीज ऑफटेंट फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स एंड फॉर वन एंटीजन तो ऑप्शन नंबर सिकेंड करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट इस ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादा एक्सप्लेन एक्सप्लेन अगर करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं हो पाएगा एक वीडियो में इन निगेटिव ओपिरान अब निगेटिव ओपिरान में पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो निगेटिव ओपरान में क्या होता है जब इंड्यूसर बाइंड कर जाता है रिप्रेसर से इंड्यूसर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है ये रिप्रेसर एक प्रोटीन होती है उसी से बाइंड कर जाता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा तो स्टूडेंट 104 से देखिए क्वेश्चन व्हाट इज़ ट्रू फॉर प्लाजमिट अब प्लाजमिट के रिस्पेक्ट में हम लोग को बताना है कौन सा इसमें चारों में से चार ऑप्शन दिए जाते हैं चारों में से कौन सा करेक्ट है तो प्लाजमिट क्या होता है प्लाजमिट जो है ये वेक्टर का, का काम करता है तो 104 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए प्लाज्मिड आर वाइडली यूज इन जीन ट्रांसफ़र जीन ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मिट यूज़ किया जाता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा जाएगा ये थर्ड ऑप्शन भी हम लोग करेक्ट करते हैं प्लाज्मिड कंटेनिंग जीन फॉर वाइटल एक्टिविटी तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव देख लीजिए मेंडल ऑफ टेन ब्रिंकल सीड्स इन पी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ शुगर इन स्टेड ऑफ स्टार्च स्टार्च के स्थान पर शुगर आ जाता है इट वॉज ड्यू टू हुई एंजाइम किस एंजाइम की वजह से तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप ऑप्शन नंबर लगाएंगे फोर्थ ऑप्शंस ऑफ आप स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो होती है वो ऑप्शन हो जाती है मतलब उसमें अब्सेंट हो जाता है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ज़ीरो सिक्स बिफोर द यूरोपियन इन्वेदर हुई वेजिटेबल वाज ऑबसेंट इन इंडिया कह रहा है ऑप्शन कौन सी जो इसमें क्रॉप थी वो वेजिटेबल थी वो इंडिया में ऑप्शन थी फर्स्ट टाइम तो ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था रिपीट किया गया था यह क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ था तो ये रिपीट हुआ था ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि पोटैटो और टोमेटो जो होती है न्यू वर्ल्ड क्रॉप होती है न्यू वर्ल्ड क्रॉप पूछा था न्यू वर्ल्ड क्रॉप कौन सी होती है सबसे जो पहली न्यू वर्ल्ड जो बनी थी क्रॉप फसल बनी थी वो पोटैटो और टोमेटो ही होता है आलू और टमाटर ही तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुई ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर अब इसमें कह रहा है कि इसमें ट्रू पेयर देखना है कौन सा दोनों जिसमें एक ऑप्शन में दोनों दिया गया है वो बायो फर्टिलाइजर है बायो फर्टिलाइजर मतलब नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं बायो फर्टिलाइजर होते हैं यजोला धान जो होता है पैडी फील्ड होता है राइस फील्ड होता है वहाँ पे इस यजोला क्या होता है यह फर्न होता है ये फर्न होता है ये में जो पानी में रहते हैं तो ये ये क्या होती है फर्न होती है फर्न एक प्लांट होता है तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला जो होते हैं फर्टिलाइजर होते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए वन जीरो एट नंबर रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री जीन ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ तो है तो ये क्वेश्चन कंप्लीमेंट्री जीन का रेशियो देखना है तो नाइन टू सेवन जो होता है ये कंप्लीमेंट्री जीन का रेशियो होता है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वन जीरो नाइन ये तो क्या डिफिनीसन ही दिया गया है वन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एल एक्सप्रेस हो इट सेल्फ अगर जो डोमिनेंट एल्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव एल्स जो होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं इट्स मतलब अपने आप को क्या करती हैं एक्सप्रेस करती हैं टुगेदर मतलब साथ में तो को डोमिनेंस तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है ए एंड वी जीन्स आर लिंक्ड हर्ट सेल बी जीनोटाइप ऑफ प्रोजनी इन क्रॉस बिटवीन अगर क्रॉस कराया जाता है इसके बीच में ए कैपिटल बी और ये किसके बीच में ये ये इस्माल ए और इस्माल बी के बीच में क्रॉस कराते हैं इस्माल ए इस्माल बी इसमाल ए इस्माल बी और इस्माल ए इस्माल बी में तो जो गैमीट बनते हैं वही पूछ रहा है तो इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये अगर इसके बीच आप क्रॉस कराते हैं तो ये बनेगा ये कैपिटल ए कैपिटल बी बनता है और फिर इस्मॉल ए इस्माल बी बनेगा एक में और इधर इस्मॉल ए इस्मॉल बी इसमाल इस्मॉल बी ये बनता है जो कि कोई ऑप्शन में है ही नहीं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वन एक सौ ग्यारह नंबर हुई स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट कह रहा है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट के रिस्पेक्ट में देखना कौन सा इसमें करेक्ट है तो एक सौ ग्यारह का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन इज मोर होती है कहाँ पर ऑफ प्लांट के सेंटर पर तो ऑप्शन नंबर सिकेंड करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं कह रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर सन्स टू ए कपल इज कह रहा कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि फोर सन्स टू कपल में आए तो ये देख लीजिए कितनी प्रोबेबिलिटी होती है तो वन बाई फोर वन बाई एट तो थे ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वन बाई सिक्सटीन प्रोबेबिलिटी होती है फोर सन्स के लिए कपल के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए टू नॉन एलिलिक जीन्स प्रोड्यूसेस द न्यू फिनोटिपिक फिनोटिपिकॉइन प्रेजेंट टुगेदर बट फेल टू डू सो इंडिपेंडेंटली देन इट इज कॉल्ड तो ये क्वेश्चन देख लीजिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्या कह रहा है डायरेक्ट डिफिनेशन ही दिया गया है तो वन थर्टीन का ऑप्शन नंबर डी कम्प्लीमेंट्री जीन ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है तो ये आप कम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो नाइन इस टू सेवन होता है और इसका डिफिनीसन आप लोग ये देख लीजिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वन हंड्रेड फोर्टीन फोटीन हुइच आफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस कह रहा है वन इसमें हम लोग को जो डीएनए को काटता है कि स्पेसिफिक प्लेस से तो उसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक इंडो प्लाजमिक्ला इंडो ये रिस्ट्रिक्शन आर ई कहते हैं आर ई ऐसे आप लोग लिख लीजिए रिस्ट्रिक्शन इंडो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेट्रा डाइनमस कंडीशन तो ये तो हम लोग को फैमिली देखना है टेट्रा डायनमस कंडीशन किस में पाया जाता है तो डायरेक्ट क्रूसी में तो ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट ऑप्शन ही क्रूसी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है हु इच इज करेक्ट पेयर फॉर एडिबल पार्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो एडिबल पार्ट हम लोग को देखना है टोमेटो में क्या क्या खाते हैं मेज में क्या और गावा मींस अमरूद में क्या खाते हैं और डेड फार्म में इसमें क्या खाते हैं तो टोमेटो में हम क्या खाते हैं टोमेटो में थैलमस खाते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा टोमेटो में हम लोग लिख आप लिख भी सकते हैं टोमेटो में क्या खाते हैं पेरी खाते हैं पेरी सी ए आर पी पेरी कार्प या फिर पेरी कार्प एंड प्लेसेंटा खाते हैं पी एल ए सी ई एन टी प्लेसेंटा खाते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा और मेज में क्या खाते हैं मेज में आप इंडो स्पर्म खाते हैं या इम्ब्रियो खाते हैं मेज में क्या खाते हैं इंडो स्पर्म ई एन डी ओ इंडो स्पर्म या फिर इम्ब्रियो खाते हैं इम्बरीओ आर वाई ओ इम्बरीओ खाते हैं और गावा में क्या खाते हैं गोवा में तो हम पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा खाते हैं जो टमा जो टमाटर का खाते हैं वही गावा का भी खाते हैं और डेड पालन का क्या खाते हैं डेड पाल का हम लोग मीजोकार्प ही खाते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर्थ तो करेक्ट हो जाएगा जो कि एकदम करेक्ट मैच दिया गया है गावा और टोमेटो का सेम चीज़ खाते हैं हम लोग प्लेसेंटा खाते हैं और पेरिकार्प खाते हैं और मेज में इमरियो या इंडोस्परम खाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बाई कार्पलरी गाइनोशियम एंड ओब्लिक ओवरी आकर्सिन अब इसमें बाई कार्परी यह देख लीजिए बाई कार्पिलरी गाइनोसियम में पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा वन सेवेंटीन का ऑप्शन नंबर ऑफ ब्रिंजल सही करिए तो ब्रिंजल मीन्स भाटा होता है तो ऑप्शन नंबर डी सोलेनेसी का फैमिली का मेंबर है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एडिबल पार्ट ऑफ बनाना बनाना मतलब जो केला होता है उसका कौन सा भाग खाया जाने वाला होता है तो ई पी कार, मीजो कार्प एंड लेस डेवलप इंडो कार्प या इंड लेस मीजो खाते हैं तो वन एटीन का ऑप्शन नंबर कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें इंडो कार्प एंड लेस डेवलप मीजो खाते आते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इन हाइड्रा बेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजिनस बेस्ड मटेरियल रिमूव फ्रॉम ये कह रहा है इन हाइड्रा बेस्ट मटेरियल जो फूड डाइजेशन होता है नाइट्रोजिनस बेस्ड मटेरियल रिमूव करता है फ्राम कहाँ से तो हाइड्रा जो होता है वो कहाँ से करता है तो वन नाइनटीन का ऑप्शन वो अपने माउथ से करेगा और पूरे बॉडी से करेगा बॉडी वाल से तो वन नाइनटीन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये देखिए माउथ एंड बॉडी वाल तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनाल टेल इज फाउंड तो पोस्ट एनाल जो पूछ होती है पोस्ट एनाल टेल किस में पाई जाती है अथवार में या लोअर इन्वर्टिवरेट में या स्कॉर्पियन में या स्नेक में तो 120 का स्नेक में पाया जाएगा ये ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा तो तो स्टूडेंट हम लोग बीस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए नेक्स्ट वीडियो में बीस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उधर एक और चल रही है टू थाउजेंड एट्टीन का भी करा रहे हैं और टू थाउजेंड ये वन से शुरू किए हैं दो हज़ार एक से भी शुरू किए हैं तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कराएँगे बीस क्वेश्चन फिर एक वीडियो में कराएंगे वीडियो थोड़ी छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग कम्प्लीट वीडियो देखें तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे थैंक यू स्टूडेंट धन्यवाद